हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के टॉपिक है टॉकबैक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक लग जाता है, देख सकते हैं आपका स्लाइड नहीं हो रहा, कोई लड़की बोल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपका, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है टेक्नो का फोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको मैं वॉइस कम कर देती ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी। एंड इसके बाद देख सकते हैं ये, और इसका यूज़ करने के लिए आपको यूज़ आना चाहिए। से पहले यूज़ करने के लिए आप स्लाइड करने के लिए टू फिंगर का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। एंड किसी ऐप को ओपन करने के लिए एक बार क्लिक करेंगी। एंड जैसे कि कैलेंडर ओपन करना है आपको, एंड एक बार क्लिक हो गया, निशान आ गया। अगर निशान नहीं आया तो दोबारा क्लिक करें, निशान आ जाता है तो उस पर एक ही फिंगर से डबल टैप क्लिक करके ओपन करना है, ये ओपन हो जाता है। एंड इसे होम इसी प्रकार से करेंगे, देख सकते हो होम हो चुका है। और ये अब इसे कैसे हटाते हैं वो बता देती हूँ। सेटिंग को ओपन करेंगे और एक बार क्लिक हो गया, निशान आ गया। एंड एक बार डबल टैप क्लिक करेंगे और आपका ओपन हो जाता है। एंड इसके बाद आपके यहाँ दिखता है स्पेशल फिक्सेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। एक बार क्लिक हो गया और इसके बाद आपको डबल टैप क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है और इसका ऑप्शन, आप इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एसेसिबिलिटी का ऑप्शन लास्ट में, आप इस पर क्लिक कर देंगे। एक बार क्लिक होगी डबल टैप। एंड इसके बाद आपको टॉकबैक पे क्लिक करना है, और टॉकबैक पे क्लिक करने के बाद इसे यहाँ से ऑफ़ कर देंगे। एंड स्टॉप पे क्लिक कर देंगे डबल टैप, और आपका टॉकबैक ऑफ हो चुका है। और इसी प्रकार से टॉकबैक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं बैक भी हो रहा है, होम भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तब तक ही नमस्कार।